नमस्कार, द नगरी मीडिया की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पूरे राजस्थान में भारी बारिश का दौर अब भी जारी है। 13-14 अगस्त को भरतपुर, जयपुर, अजमेर व कोटा संभाग के कुछ भागों में भारी व कहीं अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पूरे राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम व कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां 15-16 अगस्त को भी जारी रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। जयपुर में भारी बारिश की चेतावनी के चलते स्कूली छात्रों के अवकाश का आदेश जारी किया गया था, लेकिन तिरंगा मैराथन भीड़ दिखाने के लिए इस आदेश को ताक में रखा गया। छात्रों की सुरक्षा की परवाह किए बगैर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर सरकारी स्कूल के छात्रों को मैराथन में बुलाया गया। इस मैराथन की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने की। गनीमत ये रही कि मैराथन के दौरान रिमझिम बौछार की रही। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव कृष्णराव बागड़े ने मंगलवार को कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त राजस्थान के लिए तेजी से काम हो। बागड़े ने राजभवन में चिकित्सा और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें बागड़े ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए चिकित्सा विभाग जवाबदेही रखते हुए काम करे। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती है, वहीं तेजी से विकास होता है। चूरू निवासी रहमान द्वारा पाकिस्तानी लड़की से शादी करने के मामले में हनुमानगढ़ पुलिस ने रहमान को दहेज प्रताड़ना और 3 तलाक देने के मामले में गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी DSP STSC सेल हनुमानगढ़ रणवीर साई ने बताया कि रहमान की पहली पत्नी फरीदा बानो ने भादरा थाने में अपने पति रहमान और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना की 3 तलाक देने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में रहमान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। पीलीबंगा पालिका अध्यक्ष चुनाव करवाने की मांग को लेकर पीलीबंगा विधायक विनोद मोटवाल के नेतृत्व में पार्षद आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर से मिले। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि 12 जून को अविश्वास पत्र द्वारा पालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रमाड़ा को पद से हटाया गया था और इसके बाद करीब 2 महीने बीतने पर भी अभी तक ना तो राज्य सरकार ने पालिका अध्यक्ष पर किसी का मनोनय किया और न ही चुनाव की घोषणा हुई। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पालिका अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव की घोषणा नहीं हुई या फिर पालिका अध्यक्ष पर मनोनय नहीं किया हो गया तो पार्षद इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाएंगे। LDC भर्ती परीक्षा में 20 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। जहां अभ्यर्थी 20 सवालों की बात कर रहे थे, वहीं आज नगरी मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षक मुकेश पंचोली ने 20 नहीं बल्कि 41 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आने का दावा किया है। कलकत्ता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप के बाद महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में मंगलवार को जांच अब CBI को सौंप दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह आदेश देते हुए सभी दस्तावेज CBI को सौंपने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने पुलिस से कहा कि ये मामले में जुड़े सभी अहम सबूत कल सुबह 10 बजे तक CBI को सौंप दे। इस मामले में पुलिस के पास सबूत के तौर पर अस्पताल की CCTV फुटेज व बयान है। कलकत्ता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शिशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने प्रशासन से डॉक्टरों की सुरक्षा को बेहतर करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद लगातार PM नरेंद्र मोदी और BJP पर हमलावर हैं। एक बार फिर उन्होंने PM को इस मामले में निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी बेनामी कंपनी में सेबी प्रमुख की निवेश की जांच JPC से कराओ, वरना लोग गलत समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ पतंजलि प्रोडक्ट को लेकर चल रहे अवमानना के केस को बंद कर दिया है। बता दें कि इस मामले को लेकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण लंबे समय से चर्चा में बने हुए। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन में। नमस्कार।